ये सारी चीजों कर सकते हो। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई पैसे आपको नहीं लगने वाले हैं। सब सभी के वेलकम है आपके अपने आरसी टीचर मेरा चैनल। और गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ, ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं वीडियोस हर किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोटो वीडियो सॉफ्टवेयर जहाँ तक मैं बात करूँ, किसी भी तरह की डेटा अगर आपके पास आता है और सिंपल सा आप उसको यूज करने लगते हो, आपको ये नहीं पता कि जो डेटा आपके पास आया है कहीं उसमें कोई तरह के वायरस तो ना हो, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन होंगे, आखिर हम चेक कैसे करेंगे जो डेटा आपके पास आया उसमें वायरस है। आज मैं आप लोग के साथ ऐसे ही एक ट्रिक शेयर करने में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से चेक कर सकते हो किसी भी तरह के डेटा अगर आपके पास है तो उसमें वायरस है या नहीं। ये तो रही बात डेटा की दोस्तों, किसी भी तरह के डेटा, फोटो वीडियो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, उसमें वायरस है या नहीं है, कैसे उसको चेक करना है ये भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक और यहाँ पे लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आज इसी वीडियोस में बताने वाला हूँ। वो क्या, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी जहाँ लिंक आपके पास आती रहती है, लिंक आ गया लेकिन क्या पता उस लिंक में किस तरह की वायरस हो, आप उस वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर किसी वायरस का आप शिकार बन जाओ, आपके मोबाइल या जो भी लैपटॉप कंप्यूटर आप चला रहे हो कहीं हैक ना हो जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, किसी भी तरह की लिंक अगर आपके पास आती है तो कैसे आप आसानी से चेक कर पाओगे कि उस लिंक में और जिस वेबसाइट पर वो लिंक आपको लेके जा रहा है वहाँ पर किस तरह के वायरस तो नहीं ना है, जिससे आप सतर्क हो पाओगे। नहीं, अब ये सारी चीज़ जानने के लिए मैं आप लोग को लेके चलूँगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, वहीं पे मैं सारी बातें करूँगा कैसे क्या क्या करना है। तो आगे मैं वीडियोस में बढ़ूँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से जरूर करना चाहूँगा यार, फटाफट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी को भी दबा देना। हाँ, वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट वीडियोज़ को लाइक भी कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिंपल सा अपने मोबाइल स्मार्टफोन में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सिंपल सा अपने मोबाइल में जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लो, वहाँ पे गूगल सर्च करने के बाद गूगल पे आपको सर्च करना है आरसी टेक हिंदी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा इधर घूमना ना पड़े इसलिए काफ़ी चीज़ें जो होती है वो आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें अपने जो वेबसाइट है rctechhindi.com के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। तो ये वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा मोबाइल या कंप्यूटर को वायरस या हैक से कैसे बचाएं। बस आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है, जैसे इस पोस्ट पे क्लिक करके आप आते हो यहाँ पे हाउ टू स्कैन वायरस इन ए फाइल ऑनलाइन। अब यहाँ पे आओगे जो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप में आपको नजर आ जाएगा जो वेबसाइट का नाम है, जी हाँ, virustotal.com। अब इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च करके डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें अपने वेबसाइट के माध्यम, अपने ब्लॉग के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके लिए आपको सिंपल सा ओपन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करके क्लिक का छोटा सा एक बटन मिल जाएगा, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे virustotal की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फाइल URL सर्च, और जैसा किसी भी फाइल को, चाहे वो जहाँ विनरार फाइल हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे कोई भी फाइल हो, किसी भी तरह का डेटा हो, उसको आप यहाँ पे चूज फाइल का जो ऑप्शन है आपको सिंपल से इस पर क्लिक करके उस फाइल को मैं यहाँ से चूज, मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन कर दिया। इस तरह से किसी भी फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। ओके, जैसा कि ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अपलोड का एक बटन आपके सामने आएगा, सिंपल से इसको यहाँ पर कन्फर्म कर देना। तो कैसे हमें वेट करना है जब तक ये सारी चीज़ अपलोड हो जाए, यहाँ पे ये अपलोड का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 100% होने के बाद। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए जब तक ये स्कैन कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सारे रिजल्ट यहाँ पे धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एंटीवायरस ये सारी चीजों को यहाँ पे स्कैन करके सामने लाया, जैसे देख सकते हो अवास्ट, बेडू, बिट डिफेंडर, CMC, साइनेट, डॉक्टर वेव, ई स्कैन, या एफ सिक्योर, जी डेटा, इस तरह काफ़ी सारे एंटीवायरस जिसके बारे में शायद आप बहुत सारे एंटीवायरस के नाम जानते भी होंगे। तो देख सकते हो ये सारे एंटीवायरस के थ्रू यहाँ पे स्कैन करके हमें बता रहा है कि इस फाइल में कोई वायरस नहीं है। देख सकते हो काफ़ी सारे एंटीवायरस से एक बार में ये स्कैन करके यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे देख सकते हो AVG, बिट डिफेंडर थेट, कोमोडो एंटीवायरस, जान सकते ये सारे जानते हो, ESET, गूगल का अपना जो एंटीवायरस होता है उसका K7 एंटीवायरस, कैस्पर की मैक्स, और जैसा कि हम लोग के इंडिया में एक पॉपुलर एंटीवायरस जो है उसका नाम है क्यूखिल, तो क्यूखिल का भी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्यूखिल के थ्रू भी ये स्कैन कर दिया। तो कितना अच्छा ये आप लोग के लिए हो सकता है अगर आपको लगता है किसी फाइल में वायरस है,
या है या नहीं चेक करना चाहते हो तो एक बार उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करके उसे स्कैन कर लो, और जिसके बाद आपको पता लगा कि उसमें वायरस है या नहीं। और देख सकते हो ये सारे एंटीवायरस ने एक ही रिजल्ट दिया कि इस फाइल में कोई तरह के वायरस यहाँ पे नहीं मौजूद है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि आपके फाइल में वायरस है या नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री। और वहीं दोस्तों हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया था कि किसी भी यूआरएल को कैसे स्कैन करना है। इसके लिए फिर से मैं चलूंगा आपको वेबसाइट पे लेके, और यहाँ पे नीचे होगा तो सेम आपको वही करना है, इसी वेबसाइट पे आपको आना है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे यूआरएल का जो ऑप्शन, यूआरएल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिस भी यूआरएल को आप पेस्ट करोगे उसके बाद एंटर क्लिक कर देना, सेम इसी तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। गाइस आपने देखा कितने आसान तरीकों से हमने फ्री में सारी चीजों को यहाँ पे चेक कर लिया कि वायरस है या नहीं, और वो भी मल्टीपल एंटीवायरस के साथ, और भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको काफी चीज सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करने से मैं फिर से बोलना चाहूंगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, इस वीडियोस को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करो, कहीं ना कहीं वो भी किसी वायरस का शिकार ना हो जाए, क्योंकि आज दिन आप लोगों को पता होगा बहुत सारी वायरस का लोग शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग के कंप्यूटर मोबाइल हैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वायरस का ही हाथ होता है ये सारी चीज़ों में। इसलिए इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक माध्यम, बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यम है जिसके थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। फिलहाल दोस्तों मैं वीडियोज़ को यहीं रखूँगा। हैव ए नेक्स्ट डे, बाय बाय, टाटा।